दोस्तों हम लाए हैं एक नई रेसिपी मटर पनीर की। तो दोस्तों मटर पनीर बनाएंगे, आप हाथ चाटते रह जाएंगे, बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे हम। तो आप देखें, इसके लिए हम 5 से 6 फली लहसुन की बारीक काट लिए हैं, ये 2 दाने प्याज काट लिए हैं, ये 400 ग्राम पनीर है और 1-2 दाने टमाटर काटे हुए हैं और 2 हरी मिर्च और 200 ग्राम मटर। तो दोस्तों हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तो हमारा तेल हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम मटर। आज हम तड़के बनाने वाले हैं और इसका गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, और नहीं तो हमारे मटर जो है चटकने लग जाएंगे। तो दोस्तों मटर हमने तल लिए हैं, 2 से 3 मिनट हमने मटर तल के, हम मटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल देंगे एक बर्तन में। दोस्तों मटर हमने निकाल लिए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम एक आधी चम्मच हींग, 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा और धनिया, 1 पत्ता डाल देंगे तेज पत्ता। अब इसे 1.5 से 2 मिनट चलाएंगे हम, 1.5 से 2 मिनट चलाने के बाद दोस्तों 1.5 से 2 मिनट हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन। लहसुन को 2 मिनट तक चला लेंगे, मीडियम फ्लेम में चलाएंगे इसको। दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आने वाला हूँ मैं, मटर पनीर बहुत अच्छी रेसिपी, और प्लेन बनाएंगे, ज़्यादा मसाला वाला नहीं बनाएंगे। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से वीडियो देखिए कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अपने घर में गरम गरम अच्छे से मटर पनीर बना के मटर पनीर का स्वाद लीजिए। प्याज को हमने 1.5 से 2 मिनट पका लिया है, प्याज को हल्का ब्राउन कर दिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च काटी हुई 2 हरी मिर्च हमने ऐड कर दी है। अब इसको 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे। दोस्तों हमारा प्याज हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम में पकाएंगे इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे जिससे हमारा टमाटर जल्दी गल जाए। इसमें थोड़ा सा कसूरी मिर्च, इसमें थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, उससे जो है बढ़िया सा कलर आएगा, देख सकते हैं आप 1/2 चम्मच। आज हम बनाएंगे सिंपल पनीर बिना फ्राई किए हुए पनीर। हमने आज जो पनीर बनाएंगे उसको फ्राई नहीं करेंगे हम, आज हमने मटर फ्राई कर लिए हैं, हम पनीर को वैसे ही डालेंगे बिना फ्राई के। दोस्तों बिना फ्राई करे भी पनीर बहुत अच्छा होता है, तो इसको हम इसमें हम टमाटर में 1 कप पानी ऐड कर देंगे। 1 कप पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम टमाटर गलने तक। दोस्तों हम मसाला बना लेंगे, अब एक छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और धनिया, 1 छोटी चम्मच पनीर मसाला, 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला। दोस्तों 2 टेबलस्पून पानी डाल के हम इसको चला लेंगे, चला के इसको रख लेंगे। तो दोस्तों टमाटर हमारे 3 से 4 मिनट हमने पका दिए हैं, टमाटर गल चुके हैं हमारे, देख सकते हैं आप। अब इसमें दोस्तों हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया था, ये देखिए मसाला ऐड कर देंगे, इसको 5 मिनट तक हम और पकाएंगे, ढक्कन रखेंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे गैस के मीडियम फ्लेम में। तो दोस्तों हमने मसाला 5 मिनट तक पका लिया है, जो
देखो गल चुका है मसाला, ये देखिए दोस्तों मसाला पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मटर, ये देखिए मटर ऐड कर लेंगे दोस्तों। 15 से 20 सेकंड तक इसको चला लेंगे। इसके बाद इसमें रख देंगे हम ढक्कन, ढक्कन लगा के इसको पका देंगे 2 से 3 मिनट। दोस्तों मटर हमारे रोस्ट हो चुके हैं, मटर हमने 5 मिनट पका लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर, हमने पनीर जो काटा हुआ था इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने पनीर ऐड कर लिया है। आज हम बना रहे हैं बिना तले हुए पनीर की रेसिपी, मटर पनीर। देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको हम 5 मिनट के लिए 0 फ्लेम में ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों देखिए हमने जो है 2 से 5 मिनट इसको पका लिया है। अब देख सकते हैं आप, आज हमने सिंपल मटर पनीर बनाया है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे हम, देख सकते हैं दोस्तों। हम ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे, इसको लटपटा बनाएंगे, तो देख सकते हैं आप। तो अब इसमें नमक ऐड कर देंगे हम, थोड़ा नमक हमने पहले डाला हुआ है, थोड़ा सा और डालेंगे। दोस्तों मटर पनीर पक रहा है हमारा, देखिए आप, काफ़ी अच्छी रेसिपी बनी है आज, सिंपल मटर पनीर बनाया है मैंने। मेरी पिछली वीडियो में हमने जो है मसालेदार बनाया था, और कल की बनाई थी पिछली बार, लेकिन अभी हमने सिंपल बनाई है पिछले बार के अकॉर्डिंग। हमने सोचा कि अपने दोस्तों को आज सिंपल वाली खिलाऊं मैं। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी रेसिपी बनी है। दोस्तों अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला। दोस्तों देख सकते हैं मटर पनीर बन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, ये देख सकते हैं दोस्तों हरा धनिया ऐड कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा मटर पनीर बन के तैयार हो चुका है। अब इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, अब इसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो दोस्तों हम सर्व कर रहे हैं गरम गरम। दोस्तों को जरूर शेयर करें, और माताओं को, बहनों को अपने घरों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो वीडियो देख करके आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकें, अच्छा अच्छा पनीर बना के आपको खिला सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।